नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल आप लोग का मेरे चैनल प्रफुल्स डायरी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आप लोग देख चुके होंगे कि हाउ टू गेट अ जॉब इन दोहा। तो मैं दोहा में जॉब कैसे लिया जाए और कैसे पाया जाए उस विषय पे आप लोग को कुछ बता रहा हूं। करीब चार साल पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ जॉब लेने के लिए आप लोगों को सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जॉब के लिए ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जॉब लेना है, ठीक है। हालांकि मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो मैं टीचर से संबंधित ही आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसे लिंक्स दूंगा जहाँ पे आप केवल टीचर ही नहीं और भी बहुत ऐसी जो जॉब है जो दोहा में आप पा सकते हैं या आप उससे संबंधित योग्यता रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट मेरे लिए ये आता है, आप लोग के लिए जो ये आता है वो ये है कि जॉब को सर्च कैसे करें, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जॉब है, किस कंपनी में जॉब है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे अप्लाई करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि दो तरह से जॉब की अप्लाई होती है। एक होती है कि कई बार कंपनियाँ डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को या न्यूज़पेपर में अपनी वैकेंसी शो करती है और वहाँ अपने कुछ लिंक्स देती है, लाइक एचआर का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ईमेल आईडी। तो आप डायरेक्टली आप अपने रिज्यूम, एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार कीजिए जिसमें अच्छे से एक्सपीरियंस हो करता हो और उसके बाद आप वहाँ भेज दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि कई बार क्या है कि कुछ बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनियाँ हैं वो खुद से ये हायरिंग नहीं कर सकती, तो वो ये क्या करती हैं कि कुछ एजेंसीज को हायर कर लेती हैं ताकि वो उनके लिए हायर करके बाकी लोगों को या एम्प्लॉयज़ को उनके पास तक पहुंचाती है। तो उसमें एक थोड़ी सी अड़चन आती है, उसमें एक समस्या ये आती है कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि भाई कौन सी एजेंसी अच्छी है और कौन सी एजेंसी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता ना हो कि रास्ता कहाँ है, तो आप ज़रूर दो तीन चार लोगों से पूछेंगे कि मुझे यहाँ जाना है और मैं कैसे जाऊँ। तो वही वाली बात है, आप एजेंसी की जाँच पड़ताल करें। कैसे करेंगे, उसके वेबसाइट पे जाइए, कुछ रिव्यूज़ देखिए, लोग वहाँ जॉब पाए होंगे, क्या वो जॉब सही हैं गलत हैं वो अपने कमेंट्स वहाँ ज़रूर दिए रहते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा। दूसरा, आप उनके डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, ऑफिस के एम्प्लॉय से बात कीजिए, वहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ के जॉब वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये रहा आप लोग को एक ये तरीका है जो कि आप कंपनीज के वेबसाइट पर जाके और एजेंसीज के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये चीज़ आता है कि कंपनी के वेबसाइट पे जाने के लिए आप कैसे सर्च करेंगे कि किस कंपनी में जॉब कहाँ पे है, कैसे है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया में हैं तो आप सबसे पहले मंगलवार या बुधवार दोनों दिन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स को उसके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाके चेक कीजिए। आप जिस भी जॉब से संबंधित योग्यता रखते हैं आप वहाँ देखिए, उसके बाद वहाँ से नंबर निकालिए और आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए या फिर कॉल करके रिज्यूम भेज दीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी एक बात ये आ जाती है कि समस्या ये होती है कि हम विदेश जा रहे हैं जॉब करने के लिए या अप्लाई कर रहे हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी वहाँ दी रहती है, सारी डिटेल्स उनके वेबसाइट पे मिले रहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग देते हैं वैकेंसी, उसमें वो सारी चीज़ें दिए रहते हैं और ये पूरी तरह से सही होता है, ओरिजिनल होता है, फेक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ एजेंसियां गलत निकल जाती हैं जो कि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोगों के साथ फ्रॉड कर देती हैं। हालांकि इसकी जांच पड़ताल आप लोगों को करनी है। पहली बात मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो अपना अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर उससे कुछ हेल्प या मदद मिलेगी। और हालांकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की थी, कुछ लिंक्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कुछ लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। और कुछ मैंने जहाँ पे अलग अलग कंपनीज में जो मेरे जानकार लोग हैं, जहाँ पे लोग जो काम करते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की और कुछ इंटरनेट से लिया, गूगल से लिया, तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक बात आती है, कई बार जब हम जॉब के लिए किसी एजेंट के थ्रू जॉब जाते हैं तो सबसे पहले वो पैसे चार्ज करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, ये चीज़ आप
ध्यान से समझ लेना कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं किसी भी गल्फ कंट्री में, मैं कोई कतर की बात, दोहा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर आप एजेंट के थ्रू डायरेक्ट जॉब लेने जा रहे हैं या आपको जॉब मिल रहा है तो वो पैसे चार्ज करते हैं। आप ये कतई मत करना पहले। अगर वो पहले आपसे पैसे मांगते हैं तो आप उनको पैसे मत देना। जो एजेंसी सही होगी वो आपसे पहले पैसे कतई नहीं मांगेगी। हाँ, आपसे आपकी डिटेल्स मांगती है, लाइक पासपोर्ट नंबर या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी। जो एजेंसियाँ जेन्युइन होती हैं वो पैसे पहले चार्ज नहीं करती हैं, वो पहले आपका जॉब कंफर्म करवाती हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलवाती हैं अपने सेंटर पे। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो या तो उससे पहले या फिर उसी दिन जिस दिन आप मेडिकल के लिए पहुँचते हो तो आपसे वो बोलती हैं कि आपका जॉब का लेटर आ चुका है, सो आपको मेडिकल करवाना होगा। मेडिकल डन होते ही बाकी पैसे वो आपसे चार्ज करती हैं, क्यों? क्योंकि मेडिकल के बाद ही बाकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होती है, क्योंकि मेडिकल जब वो भेजते हैं कंपनीज को तो कंपनी उस मेडिकल के बिहाफ पे उस इंसान को या उस जॉब लेने वाले व्यक्ति को वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं, तब जाके आपका जॉब कन्फर्म हो पाता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप टीचर हैं और कतर में टीचर का जॉब करना चाहते हैं या जॉब की तलाश में हैं तो आप कैसे उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि इंडिया में जो हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, मंगलवार और बुधवार के, ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर, केवल इन्हीं दोनों दिन के न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे जाइए और देखिए कि विदेश के कौन कौन से स्कूल्स आपको वहाँ अपना एडवर्टाइजमेंट दिए हैं जॉब के लिए। वहाँ से कॉन्टेक्ट निकालिए, ईमेल आईडी निकालिए और उस पर अपना एक रिज्यूम भेज दीजिए। कुछ समय के बाद आपको उनका एक ईमेल मिलेगा या फिर कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो आपको एक एड्रेस बताएंगे जिस एड्रेस पे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पहुंचना होता है वॉक इन के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का रिजल्ट करीब वो एक महीने के अंदर या उसके आसपास तक बताते हैं। इंटरव्यू डन होने के बाद वो आपसे बोलते हैं कि आप मेडिकल करवाइए और हमें मेडिकल करवा के भेजिए। क्यों? क्योंकि उसके आगे की जो सारी प्रोसीडिंग है मेडिकल के बाद ही होती है, लाइक वीज़ा। तो वीज़ा मिलने के बाद आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आप सभी को जॉब से संबंधित जानकारियाँ देता रहूँगा। आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप सभी को मेरे करंट वीडियो की सूचना लगातार मिलती रहे। जॉब से संबंधित समस्या या जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।